नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के तीसरे और एक और निर्णायक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने ही टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और लगातार दूसरी बार पारी के पहले ही ओवर में संजू सैमसन को मार्को यानसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए। संजू सैमसन के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर यहां से तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने आते ही दो शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था तो वही गए कुछ मुकाबलों से खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा भी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब खड़ी कर दी थी। दबाव अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर दिखने लगा था। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी लगातार मजबूत और खतरनाक होती जा रही थी। पारी के पांचवें ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने लगातार दो छक्के एंडिले सीमेलान को लगा दिए थे तो वही देखते ही देखते अब दोनों की 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों की यह साझेदारी साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। दोनों मिलकर हर एक ओवर में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं डर रहे थे, जिसने साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज को बैक फुट पर धकेल दिया था। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे थे तो वही तिलक वर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के हर एक ओवर में भारतीय टीम को चौके छक्के मिल रहे थे और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई तो वही तभी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने भी अपना इस मुकाबले में केवल 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी साउथ अफ्रीका के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा को हेनरी क्लासन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 25 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की यह विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में ज्यादा कोई कमाल नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए एंडिले सीमेलान ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव बस 4 गेंद में एक ही रन बना पाए। एक विशाल साझेदारी के बाद भारतीय टीम को अब 2 बड़े विकेट गंवाने पड़े थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके तिलक वर्मा ने इसी बीच अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच अब एक और साझेदारी बननी शुरू हुई थी कि तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने सेट हो चुके हार्दिक पांड्या को LBW आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भारतीय टीम के हर एक साझेदारी को तोड़ती जा रही थी, लेकिन तिलक वर्मा को रोकना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन तिलक वर्मा के बल्ले से बड़े शॉट नहीं रुक रहे थे। वह लगातार साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगा रहे थे। रिंकू सिंह के साथ मिलकर फिर एक बार तिलक वर्मा ने एक और साझेदारी बनाई, लेकिन तभी रिंकू सिंह को भी एंडिले सीमेलान ने क्लीन बोल्ड कर दिया
रिंकू सिंह 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रिंकू सिंह के बाद बल्लेबाजी के लिए आए और अंतरराष्ट्रीय करियर में अपना पहले ही T20 मुकाबला खेल रहे रमनदीप सिंह ने अपनी पहले ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया। अब सभी की नजरें तिलक वर्मा की तरफ थीं, क्योंकि तिलक वर्मा अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर एक गजब का चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने अपने T20 करियर का पहला शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। रमनदीप सिंह और तिलक वर्मा ने अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन आखिरी ओवर में रमनदीप सिंह हेनरी क्लासेन के हाथों रन आउट हो गए। रमनदीप सिंह 6 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा की 56 गेंदों में 107 रनों की ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 219 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। रायन रिकेल्टन और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और साउथ अफ्रीका के इन दो धमाकेदार ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने रायन रिकेल्टन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रायन रिकेल्टन 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। रायन रिकेल्टन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके रीजा हेंड्रिक्स भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। अक्षर पटेल के एक ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स ने दो लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रीजा हेंड्रिक्स को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स 13 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय गेंदबाजी ने शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। यह मुकाबला भारतीय टीम की तरफ मुड़ने लगा था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान में उतरे थे और ट्रिस्टन स्टब ने आते ही दो शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अब कप्तान एडन मार्करम और ट्रिस्टन स्टब के बीच भी एक और साझेदारी बन रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट खेलना साउथ अफ्रीका के इन दो खतरनाक बल्लेबाजों को तक मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से दबाव साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था। और इसी दबाव के बीच गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब को LBW आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन अब कप्तान एडन मार्करम ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और वरुण चक्रवर्ती को एक के बाद एक दो शानदार छक्के साउथ अफ्रीका के कप्तान ने लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में एक और छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान एडन मार्करम रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। एडन मार्करम 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका के चार बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। साउथ अफ्रीका की इसी जोड़ी पर इस मुकाबले में उनकी पूरी किस्मत टिकी हुई थी और साउथ अफ्रीका की यह खतरनाक जोड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। खास करके हेनरी क्लासेन भारतीय गेंदबाजी पर ऐसे छक्के चौके लगा रहे थे जिसने मैदान में बैठे हर एक दर्शक के होश उड़ा दिए थे। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में हेनरी क्लासेन ने 3 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। दबाव अब भारतीय गेंदबाजी पर आ चुका था, क्योंकि हेनरी क्लासेन की इस तरह की बल्लेबाजी आसानी से पूरा मुकाबला पलट सकती थी। डेविड मिलर और हेनरी क्लासेन की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी को लगातार दबाव में डाल रही थी। देखते ही देखते दोनों के 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी को किसी भी हालत में इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और ऐसा ही करके दिखाया पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की गजब की गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका के एक खतरनाक बल्लेबाज को अब आउट कर दिया था, लेकिन अभी भी हेनरी क्लासेन मैदान में मौजूद थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था।
जहां पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर रवि बिश्नोई डालने आए, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्को यानसन ने रवि बिश्नोई की इस ओवर में दो गजब के छक्के लगा दिए और इस ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम को 18 रन मिल गए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी तीन ओवरों में 59 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए और अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हेनरी क्लासेन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 20 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने इस पूरे मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए जेराल्ड कोटजे मैदान में उतरे थे तो वही अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में केवल 8 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी दो ओवरों में साउथ अफ्रीका की टीम को 51 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर में मार्को यानसन ने ऐसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए और इस ओवर में मार्को यानसन ने 3 चौके और 2 छक्के लगाते हुए इस ओवर से 26 रन बना लिए। एक पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला अब आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का निर्णायक ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे और अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली गेंद पर जेराल्ड कोटजे ने 1 रन लिया। अब आखिरी 5 गेंद में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर मार्को यानसन आए थे और मार्को यानसन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने मार्को यानसन के आगे हार नहीं मानी और उसकी अगली ही गेंद पर मार्को यानसन को अर्शदीप सिंह ने LBW आउट कर दिया। मार्को यानसन इस मुकाबले में 17 गेंदों में 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए एंडिले सिमेलान मैदान में उतरे थे। अब साउथ अफ्रीका को बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के चाहिए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने अगली गेंद पर एंडिले को छक्का नहीं लगाने दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस गेंद पर 4 रन हासिल कर लिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर साउथ अफ्रीका को 14 रन चाहिए थे, लेकिन उसके अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने केवल 1 ही रन दिया। अब यह मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंच गया था, जहां पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर भी साउथ अफ्रीका को बस 1 ही रन मिला और इसी के साथ वह साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय टीम ने 11 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस बड़ी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2 मुकाबले जीतकर एक अजय बढ़त साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर उन्हीं की सरजमी पर बना ली है। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजी को अंत तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में भारतीय गेंदबाजों के लाजवाब प्रदर्शन ने इस मुकाबले को अपने नाम करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत के पीछे उनके एक नौजवान बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस बल्लेबाज का नाम था तिलक वर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 56 गेंदों में 107 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप तिलक वर्मा की इस अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।